इतना खतरनाक लग रहा है। पकड़ सकते हैं? पूंछ पकड़ो। पकड़ सकते हैं? पक्का पक्का लगा दूं, हाथ लगा दूं? ओ भाई ही गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, रोज सुबह सुबह नए घर के पास में आ रहा है सांप, उसको भगाना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा और उठा के फॉरेस्ट में छोड़ना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट वाले को बुलाना पड़ेगा भाई, बिकॉज डेंजरस है भाई ऐसे। कहाँ पे? वहीं पे ही है। हाँ, जहाँ पर कल था आज भी वहीं पे। ये देखो, आज फिर से आ गया। कुछ खाया है ना? पापा जी बुला रहे हैं सांप पकड़ने वालों को। सभी वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, मैं इतनी पास आ गया हूँ इसके, देखो। तो गाइस, हमने बुला लिया है सांप पकड़ने वालों को, तो वो आ रहे हैं, फिर इसको पकड़ के ले जाएंगे। बिकॉज भाई घर के बिल्कुल सामने है, रोज रोज आ जा रहा है यहाँ पे। डसता नहीं है ये, सिर्फ निकलता है। देखो निकल रखा है इसने, कुछ यहाँ से मोटा हो रखा है ना। देखो यहाँ पे इसका बिल है, यहाँ से आता है रोज धूप सेकने के लिए। कुनाली भी आ गया, आगे सांप पकड़ने वाले। देखते हैं आज पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते इसको। एकदम से भागेगा, एकदम से। पकड़ लिया? ओह, फाइनली पकड़ लिया। सभी देख रहे हैं। अरे यार, गया, पकड़ लिया था यार, एकदम से भग गया, फिर से यहाँ भग गया। तो गाइस, आज तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन छड़ी हमारे हाथ में आ गई है। देखो इस तरफ, इससे पकड़ते हैं, कल पकड़ेंगे, परसों पकड़ेंगे, कभी तो पकड़ेंगे। आज सेकंड डे था भाई, हमारा रोज का हो गया। सुबह सुबह सांप देखने जाते हैं, पूरी फैमिली सांप देखने जाती है आजकल सुबह सुबह। तो अभी नहा धोके मस्त रेडी हो गया हूँ। अभी फोन आया चाचा जी का कि फिर से आ गया भाई वो सांप। सुबह पकड़ा नहीं गया था, आज फिर से आ गया धूप सेकने के लिए। तो अब चलते हैं, सांप पकड़ने वाले को दोबारा बुलाते हैं और अबकी बार तो पकड़ेंगे उसको। फिर से आ गए सांप पकड़ने वाले, अबकी बार पकड़ना है, अबकी बार तो लेके जाना। हाँ, बोरा बोरा फ्यूजी इधर भी आ सकता है। इसका बिल बंद कर दिया हमने, ये पकड़ लिया, फाइनली पकड़ लिया। ओ भाई साहब, हम भी चलते हैं पीछे पीछे, हम भी चलते हैं। अरे फंदा मारेगा ना, रुको रुको रुको, ऐसा मत खींचो, मत खींचो, मत खींचो, आराम से उड़ाओ, उड़ाओ आराम से ले चलो। वो सोच रहा, वो हो गया ना वो भाई साहब, वो गड्ढे में हो गया ना बेचारे। वो इतना खतरनाक लग रहा है। पकड़ सकते हैं? पकड़ो। पकड़ सकते हैं? पक्का पक्का लगा दूं, हाथ लगा दूं? ओ भाई, आराम से पूंछ पकड़ो, आराम से पकड़ो, जैसे पकड़ते हैं सबको, हाँ ऐसे पकड़ो बस। ओ भाई, उई मुंह तो बंद है उसका, मुंह है मेन उसका, हाथ जकड़ लेगा ना। करना है, टच करना है। ओ भाई, लपेट लिया, पूरा लपेट लिया भाई। करो, कुछ नहीं करेगा। दर्शन कर लो भोलेनाथ, जय हो तेरी, जय भोलेनाथ की जय हो। मम्मी भी आ गई भाग भाग के। वही है। इसको ऐसे ले जाओगे? बहुत तेज लगेगा खोलने में। अच्छा, जंगल में छोड़ोगे ना? अंकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हैं, तो फॉरेस्ट में छोड़ देंगे। रेस्क्यू सूचना पत्र, नाम डालो अपना, एड्रेस आएगा ना आपको, यहाँ नाम डालो। अच्छा, इसमें सब लिखना पड़ता है, हम कहाँ से हैं, कहाँ से पकड़ा, कहाँ से क्या सब। तो गाइस, अब जा रहे हैं छोड़ने के लिए, तो मैं गाड़ी लेके आता हूँ, गाड़ी में रखेंगे सांप को और फिर छोड़ के आएंगे। चलो फॉर्च्यूनर में आ जाएगा। सांप एक सांप को छोड़ने के लिए इतने सारे लोग जा रहे हैं। चलो अंकल जी, आपका शुभ नाम? सुरेश सिंह। भाई मेरे पीछे सांप है इतना बड़ा, अजगर। सांप नहीं, अजगर है, अजगर भाई। मुंह बंद है, मुंह बंद है, मेन तो मुंह बंद है, कुछ नहीं करता है भाई। एक दिन से आया पीछे से। अब हम जा रहे हैं जंगल में छोड़ने के लिए, तो देखते हैं किस तरह से छोड़ते हैं। छुड़वाना मुश्किल है उसको बहुत। तो गाइस, जंगल वाली रोड आ चुकी है, अब राइट में भी जंगल है, लेफ्ट में भी जंगल है, और यहाँ पे सारे जंगली जानवर रहते हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी छोड़ सकते हैं अभी। तो चलते हैं, थोड़ी आगे चलते हैं, फिर वहाँ पे छोड़ेंगे। तो अभी जंगल में जा रहे हैं छोड़ने के लिए इसको। जंगल में आ चुके हैं, यहाँ पे देखो चारों साइड जंगल ही जंगल है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं मस्त सेफली। यहाँ पे सही है ना, जंगल में रहने के लिए सही है सांप, सोसाइटी में रहने के लिए हमारे लिए सही नहीं है ना सांप। साइड हो जाओ भाई, अब जो भागेगा ना एकदम से भाग जाएगा ना ये। बंद है अभी, तो बंद है।
खुद ही भाग जाएगा। मुंह बंद है ना उसका। अच्छा ये मुंह बंद है, अब मुंह खोलना है, बस मुंह खोलते ही भागेगा। बाय बाय। कितनी प्यार से स्लो स्लो जा रहा है, देखो ये स्लो ही चलता है ना, ज्यादा तेज नहीं चलता ये। यहाँ पे सेक ना धूप। चलो भाई फाइनली काम हो चुका है और हमने पूरी प्रोसेस देख ली, सांप पकड़ने से लेके उसको छोड़ने की पूरी प्रोसेस देख ली। यहाँ पे सब्सक्राइबर भी रुक गया, यहाँ पे दो गाड़ी रुक गई है। तो कहाँ से हो? रुद्रपुर। अच्छा रुद्रपुर से। हम छोले कुलचे खाने जा रहे थे। अब सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है ना। वैसे तो वो भी उसका घर ही था ना, वो तो हमने वहाँ पे सोसाइटी बना दी है, वो भी जंगल ही था। अम्मा छोड़ा है हम जंगल में। जंगल में, वो जंगल नहीं अपने बगल में। गाइज हमारी सोसाइटी में तो बिल्लियां भी थी, बिल्लियां भी गायब होती जा रही है, बिल्ली के बच्चे भी थे वो भी गायब होते जा रहे हैं। क्या पता ये सांप नहीं निकल लियो। तो अब खाना खाते हैं, आलू की सब्जी रोटी। आपके लिए न्यू चाकू लाया हूँ। क्या काटने वाला है इसके लिए? लेकिन इसके लिए चॉपिंग बोर्ड चाहिए। लेकिन है वो गाइज, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये वाला चाकू। देखो कितना मस्त है भाई, इतनी जल्दी इतनी बारीक इतना मस्त काट दिया इसने। अब से इसको यूज करूंगा, कुछ बनाना सूप वगैरह कुछ बनाना ना, सब्जियाँ काटनी हो मस्त इस तरह से। ये ऐसा लग रहा है प्याज और टमाटर है, बड़े मूली और गाजर है, थोड़ा नीचे भी गिर गया, आगे से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे नहीं कुनाली, चाकू से दूर, चाकू से दूर। तो गाइज आज मुझे करना है अपने इस रूम को अच्छे से साफ, बिकॉज बहुत दिन हो गया भाई साफ ही नहीं करा। मैं यहाँ पे रात को आता हूँ, एडिट करके सो जाता हूँ। और सबसे मेन खराब चीज़ मेरी पता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मेरे बेड पे ना इतनी सारी वायर्स, ये सब देखो ये सब पड़ा हुआ है भाई, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। इवन जब मैं रात को एडिटिंग करता हूँ ना, मेरा लैपटॉप भी यहीं पड़ा रहता है। एडिटिंग करके जब नींद आती है तो मैं ध्यान देता हूँ, ये सारा सामान ऐसे पड़ा रहता है और मैं यहीं सो जाता हूँ। फिर सुबह उठ के जाता हूँ वहाँ पे, उस वाले घर पे रहता हूँ पूरी फैमिली के साथ में दिन भर। फिर रात को आता हूँ एडिटिंग करता हूँ। तो ये रूम की हाल जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गया है, ये देखो यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ। सबसे ख़राब तो यही है भाई, तो ये सब उठाना पड़ेगा और ये बैग वैग सब उठाने पड़ेंगे। यहाँ से ये बैग मैं उसके नीचे डाल दूंगा, यहाँ पर खाली जगह है ना, ताकि ये दिखे ना। और ये कपड़े भी उठा दूंगा यहाँ से, ये सारे धोने वाले कपड़े हैं। और फिर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, अच्छे से क्लीन करना है पूरे रूम को, बिकॉज बहुत दिन हो गए साफ ही नहीं करा मैंने। धोने वाले कपड़े इसमें डाल देता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ कुछ खाने का सामान। फाइनली पूरा रूम क्लीन हो चुका है, आज पूरा दिन लग गया रूम साफ करने में, और साथ में वॉशरूम भी मैंने चमका दिया मस्त, एक एक चीज अच्छे से साफ करी है मैंने। और आजकल मैं इसमें नहा रहा हूँ तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं होटल में नहा रहा हूँ, घर वाली फीलिंग नहीं आ रही इसमें, क्योंकि शावर है ना घर में, तो मस्त बाल्टी से नहाते थे ना। बट मेरे को ना यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे भाई नल ही नहीं है जिसे मैं बाल्टी से पानी भर सकूँ। सिर्फ ये है बट इससे बाल्टी धोना भर सकते हैं हम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो बाल्टी मैंने रखी हुई है यहाँ पे मतलब बाल्टी से नहाने का ऑप्शन ही नहीं है, बाल्टी में पानी भर ही नहीं सकते, नहाने तो शावर से ही नहाना पड़ेगा। बट जो भी कहो कंफर्ट तो बाल्टी से नहाने में आता है, मग्गे से इस तरह से ना। गाइज आज मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, मैं कहीं बाहर नहीं गया, मेरे सिर दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैंने रूम में रह के रूम का काम कर लिया, सारा रूम अपना सेट कर लिया ना सारा, तो वो सही है। और थोड़ी मेरी मीटिंग है अभी एडिटिंग करके, फिर मैं सो जाऊंगा। तो मम्मी लेके आ गई है दूध, तो दूध पीते हैं और फिर इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय करूँगा ना, पकड़ो। बाय बाय। विश यू मैरिड, सॉरी मैरिड कह रहा हूँ।